hello students welcome back to blade learner k-12 myself mavish sadaf and i am here to teach you biology of class 12 we had already started the second chapter which is sexual reproduction in flowering plant in the last 5 videos we had discussed about male and female reproductive system pollination artificial hybridization double fertilization and now we are going to study about fruit एडवांटेजेस ऑफ सीड्स एपोमिक्सिस पॉलिम्ब्रियोनी एंड हाइब्रिड सीड सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रूट फ्रूट जैसा कि हमें पता है क्या होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो ओवरी uh, होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है उसी तरह से जो फ्रूट ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और फ्रूट के दो पार्ट भी होते हैं देखिए एक है सीट और एक है पेरी ठीक है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जैसे ओवरी होती है और ओव्यूल होता है फर्टिलाइजेशन हुआ ओव्यूल सीड में बदल गया और जो ओवरी थी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई ठीक है तो फ्रूट में दो पार्ट आते हैं एक पेरीकार्प होता है और एक सीड होता है ठीक है सीड तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि उसमें सीड कोट होता है एम्ब्रियो होता है इंडो डिपेंड करता है कि किस तरह का सीड एल्ब्यूमिनस है या नॉन एल्ब्यूमिनस तो हम एंडोस्पर्म का जिक्र करते हैं उसमें अब ये देखिए जो होता है ना ओवरी की जो वॉल होती है ना वो डेवलप कर जाती है पेरी में ओवरी वॉल और देखिए पेरी जो होता है वो फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है सबसे पहला होता है एपी कार्प एपी कार्प बीच वाला पार्ट होता है मीजो और सबसे अंदर होता है इंडोकार्प आप इसे बेस्ट देख सकते हैं मैंगो में मैंगो जो होता है जैसे उसमें हम लोग क्या करते हैं यहां से इसका छिलका हटाते हैं तो ये जो होता है ये हो गया आपका एपिकार्प ठीक है उसके बाद जो बहुत फ्लैशी पार्ट होता है जिसे हम लोग खाते हैं वो क्या हो जाता है मीजोकार्प और अंदर में जो बच जाता है, बिल्कुल जो हार्ड पार्ट होता है वो क्या होता है एंडोकार्प ठीक है तो मैंगो का जो एंडोकार्प होता है वो कैसा होता है हार्ड होता है अलेवेंथ क्लास में जब फ्रूट एक टॉपिक था उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था फ्रूट के बारे में मतलब कि एंडोकार्प किसका हार्ड होता है मीजोकार्प किसका किस तरह का होता है जैसे कोकोनट के बारे में उसमें दिया हुआ है जैसे मैंगो में मीजोकार्प uh, जो होता है वो फ्लैशी होता है बहुत ज्यादा लेकिन कोकोनट में क्या होता है जो मिजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है ठीक है तो जैसे जैसे अलग अलग तरह का फ्रूट होता है वैसे ही ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं उसमें ठीक है तो बहुत डिटेल में हमने उसमें पढ़ा था यहां उतने डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आप बस इतना ही जान लीजिए सीड होती है पेरिकार्प होता है ठीक है इसके अलावा देखिए अब यहां पर दो तरह के फ्रूट होते हैं ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट ट्रू फ्रूट का मतलब होता है जब फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से डायरेक्ट हो ठीक है तो उसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहेंगे जैसे मोस्ट ऑफ द फ्रूट ट्रू फ्रूट ही होते हैं मोस्ट ऑफ द फ्रूट लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवरी के अलावा किसी अदर फ्लोरल पार्ट से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया thalmas से थेलमस का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया था कि ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बर्ड स्ट्रक्चर तो थैलमस जो होता है कभी कभी यही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है थैलमस के थ्रू ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है इसका एग्जाम्पल क्या है जैसे एप्पल बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू ये तीनों एग्जाम्पल आपको एनसीआरटी में मिल जाएंगे इसलिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये था ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट नेक्स्ट आता है पार्थिनो कार्पिक फ्रूट पार्थिनो टर्म मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि इसका मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के किसी चीज का बनना अब फ्रूट के बारे में है तो यहाँ पे क्या होगा फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल है बनाना अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो इस तरह के फ्रूट कैसे होंगे सीडलेस फ्रूट होंगे ठीक है बनाना हो गया जैसे ग्रेप्स हो गया ठीक है पार्थिनो जो है हम लोग आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये जैसे बनाना में तो नेचुरल होता है ठीक है लेकिन हम लोग किसी किसी प्लांट में आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस कर, द, कर सकते हैं जैसे कि ऑरेंज ठीक है तो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक प्लांट हार्मोन की जरूरत होती है और वो क्या है ऑक्सिन दिस लाइन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो ये सब कुछ था आपको फ्रूट के बारे में ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सीड्स सीड के बारे में बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था सीड कोट होता है कॉटिलीडन इम ये सब के बारे में अब यहाँ पे सीड का क्या फायदा क्या है सीड बनना इतना जरूरी क्यों है अब देखिए ये सब पढ़ाया था ना आप लोगों को एपिकोटाइल कोटाइल हाइपोकोटाइल रेडिकल सीड कोट सब कुछ पढ़ाया था आप लोगों को ठीक है ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सीड फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन वाटर मैंने लास्ट में आप लोगों को पढ़ाया था कि सीट के जर्मिनेशन के लिए कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे लाइट वाटर टेम्परेचर ऑक्सीजन ठीक है अब आपने पहले देखा होगा कि जो पॉलिनेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो हो रहा था उसमें कहीं पर भी वाटर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो था वो बिल्कुल इनडिपेंडेंट था वाटर के ठीक है तो कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ से वाटर हमें मिले ठीक है सीड को वाटर मिले ताकि वो जर्मिनेट करे तो एक्चुअली सिर्फ सीड के जर्मिनेशन के लिए नहीं इनडायरेक्टली ये क्या कहा जा रहा है प्लांट के ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत है ठीक है और प्लांट का ग्रोथ सीड से ही होता है इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो सीड होता है अब उसको वाटर की ज़रूरत होनी चाहिए ठीक है ताकि प्लांट ग्रो कर सके क्योंकि अब तक जितने भी प्रोसेस हुए फर्टिलाइजेशन हुआ पॉलिनेशन हुआ ये सब कुछ वाटर के बिना ही हुआ ठीक है इसलिए जो सीड का फॉर्मेशन है वो वाटर पर डिपेंडेंट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इसमें क्या है इसमें बेटर स्ट्रैटीज़ होती हैं न्यू हैबिटेट में डिस्पर्स करने के लिए बेटर स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट ताकि ये वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी या खराब से खराब हैबिटेट में भी अलग अलग तरह के प्लांट ग्रो कर सकें ठीक है तो इनके पास अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी होती है सीड के पास कि कहाँ किस तरह से डिस्पर्स करना है कहाँ कैसे ग्रो करना है कहाँ कितना वाटर चाहिए हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ ठीक है इसके अलावा जो सीड होती हैं ये क्या करती हैं? नरिशेज यंग सीडलिंग्स जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना इनको ग्रो करने में ये सीड जो है हेल्प करता है ठीक है कैसे हेल्प करेगा कैसे ये नरिश करेगा आप समझ सकते हैं सीड के अंदर कॉटिलेडन होता है और मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉटिलेडन जो होता है उसके अंदर कुछ रिजर्व फूड होते हैं ठीक है थीके? तो यही तो ये सीड में भी हुआ ठीक है तो यही यहीं से सीडलिंग्स जो होते हैं इनको नरिशमेंट प्रोवाइड होती है ठीक है इन लोगों को नेक्स्ट इसमें क्या है अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना है इसलिए यहाँ पे वेरिएशन आएंगे ठीक है नए नए तरह के जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसकी वजह से वेरिएशन आएंगे और वेरिएशन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, होते हैं इम्पॉर्टेंट और लंबे टाइम के बाद यहीं से क्या आ जाता है इवोल्यूशन वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन तो सीड फर्टिलाइजेशन का के बाद बनता है इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरह के जेनेटिक कम्बिनेशन होते हैं जहाँ से वेरिएशन इंट्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर ठीक है तो ये सब कुछ था सीड्स के एडवांटेजेस नेक्स्ट देखिए क्या सीड को हम लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं ठीक है और स्टोर करने के लिए हमें डिहाइड्रेशन और डोरमैंसी की जरूरत होती है ठीक है डिहाइड्रेशन का मतलब आप लोग समझ गए उस सीड के अंदर से सारे पानी को निकाल दीजिए उसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन मतलब कहीं से भी पानी निकाल लेना इस डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी का मतलब होता है कि किसी एक इनएक्टिव स्टेज पर पहुंच जाए इनएक्टिव स्टेज ठीक है अब जाहिर सी बात है अगर सीड के अंदर से पानी निकल जाएगा पूरा पानी नहीं निकलता है थोड़ा पानी अगर निकल जाएगा तो वो सीड फर्दर ग्रो नहीं कर सकता है ठीक है तो वो किस स्टेज में चला गया इनएक्टिव स्टेज में चला गया वापस से जब हम उन लोगों को प्रॉपर वाटर देंगे प्रॉपर कंडीशन देंगे ग्रो करने के लिए तो सीड फर्दर ग्रो कर जाएगी ठीक है तो यही कहा जा इसी प्रोसेस को कहते हैं डोरमैंसी ठीक है तो सीड को स्टोर करने के लिए डिहाइड्रेशन और डोरमैंसी की जरूरत होती है ठीक है और देखिए नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पे सीड वायबिलिटी मैंने आप लोगों को पहले पोलिन की वायबिलिटी पढ़ाई थी ठीक है कि पॉलिन के रिलीज होने के बाद वो कितने देर तक ज़िंदा रह सकता है यानी कब तक उसकी एबिलिटी है ग्रो करने की उसी को क्या कहते हैं पॉलन वायबिलिटी वैसे ही है सीड वायबिलिटी कि सीड जो है बनने के बाद वो कब तक उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ग्रो कर सके तो उसको कहते हैं सीड वायबिलिटी ठीक है तो बहुत साल भी रह सकती है ये वायबिलिटी जैसे दो एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ल्यूपिनस आर्कटिकस ठीक है इसमें नोटिस किया गया है कि दस हज़ार साल के बाद इसमें फ्लावरिंग हो सकती है यानी सीड जो है वो डोरमेंसी स्टेज में दस हजार साल तक जा चुका है ठीक है नेक्स्ट है इसमें फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा ये डेट पाम का साइंटिफिक नेम है और इसका जो सीड है वो दो हजार साल पुराना सीड है ये दो इन्फॉर्मेशन है आप लोग याद कर सकते हैं बस इसे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है ये सीड वाइबिलिटी के बारे में समझाने के लिए ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं ठीक है थीके? तो ये आप समझ गए एडवांटेजेस ऑफ सीड्स नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं एपोमिक्सिस की तरफ ठीक है एन सी आर टी को ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है ये एपोमिक्सिस एंड पॉलीम वगैरह अब देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए एपोमिक्सिस क्या होता है कि जब सीड का प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन वहां पर क्या पढ़ाया था मैंने पार्थिनो कार्पी यानी फ्रूट का प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन के डेट इज नोन पार्थिनो कार्पी और सीड का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस ठीक है अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है एक तो सीड का फॉर्मेशन भी हो रहा है विच इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विनो की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तभी सीड का फॉर्मेशन होता है और बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस में नहीं होती ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो ये जो एपोमिक्सिस हो गया ये किसका फॉर्म हो गया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डेट मिमिक्स मिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कॉपी कि ये इस तरह का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है ठीक है किस तरह से कॉपी कर रहा रहा है 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 आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सीड बन इज ठीक है अब देखिए अब अगर ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होगा तो इसके प्रोजेनिस कैसे होंगे बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे ठीक है और देखिए कैसे बन रहा है इसमें सीड कभी कभी क्या होता है कि सबसे पहले तो मेगा स्पोर मदर सेल होता है मेगा स्पोर मदर सेल जिसमें मेोसिस होने के बाद यहाँ पर मेगा स्पोर बनते हैं ठीक है इस मेगा स्पोर से पूरा का पूरा सैक बनता है और ये सैक जो होता है इसी के अंदर होता है एग ठीक है इस एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर इस एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोड बना फिर यहां से एम्ब्रियो बना फिर क्या बन गया सीड बन गया ठीक है इतने प्रोसेस होते हैं मतलब ये एम्ब्रियो से सीड नहीं बना यानी कि यहां पर ये एग है ना तो एग से तो ये यहां तक बना और एग के बाहर क्या होगा ओव्यूल होगा वहां से ये सीड बन गया ठीक है तो ये सब कुछ जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब हुआ ठीक है अब यहां पर क्या होता है कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें इक्वेशनल डिवीजन हो जाती है यानी माइटोसिस हो जाता है ये मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है डिप्लॉइड यहाँ पर माइटोसिस हो जाता है और यहीं से एग बन जाता है ठीक है फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है मेल गेमिट की जरूरत ही नहीं होती है ये मेगा स्पोर सेल अपने आप ही एग का फॉर्मेशन कर लेता है ठीक है तो इसकी भी प्लॉइडी क्या हो जाएगी डिप्लॉइड इक्वेशनल डिवीजन में कभी भी प्लॉइडी चेंज नहीं होती है एग बना ये भी डिप्लॉइड हो गया ठीक है और ये एग जो है अब फर्दर क्या कर लेता है यही एग जो है इम्ब्रियो बना लेता है ठीक है तो ये भी क्या हो गया डिप्लॉइड और ये इम्ब्रियो फर्दर सीड का डेवलपमेंट कर देता है ठीक है तो देखिए सीड का फॉर्मेशन हो गया बिना फर्टिलाइजेशन के कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ठीक है तो अब ये अलग अलग तरह के सेल से बन सकता है ठीक है जैसे कि हम मैंने तो यहाँ पर एग बनाया किससे मेगा स्पोर्ट मदर सेल से पेरेंट सेल से बनाया ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देखिए ये एक इम्ब्रियो सैक हमने बनाया था ठीक है सैक बना सैक के बाहर हमें पता है यहाँ पर इस तरह से न्यू सेलर सेल्स भी होते हैं ठीक है थीके? मैंने कभी बनाया नहीं लेकिन आपको तो पता है ना होता है न्यू सेलर सेल्स भी होते हैं न्यू सेलर सेल्स एंड इधर बाहर इंटीग्यूमेंट है ठीक है अभी यहाँ पर जरूरत है इसको बताने की इसलिए मैंने सैक के बाहर यहाँ पे न्यू न्यूसेलर सेल्स भी दिखाए हैं ठीक है थीके? होता क्या है कि देखिए यहां तक जो भी चीजें बनी ये सब तो बना होगा सैक तो वहां से बना होगा जब रिडक्शनल डिवीजन हुआ होगा एग बना हो मतलब मेगा स्पोर बना होगा वहां से सैक बना ठीक है अब देखिए ये कुछ न्यू न्यूसेलर सेल्स है ये क्या करते हैं इस सैक के अंदर आ जाते हैं ठीक है थीके? और ये न्यूसेलर सेल्स हमें पता है डिप्लॉइड होते हैं अब ये अंदर एंटर कर जाते हैं और यहां आने के बाद क्या करते हैं ये फर्दर इम्रियो बना देते हैं तो ये भी डिप्लॉयड हो गए यानी न्यूसेलर सेल से डायरेक्ट इम्ब्रियो बन गया ठीक है अब ये इम्ब्रियो फिर फर्दर सीड बना दे जो भी बनाना है बना देगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं अब आप देखिए इस इम्ब्रियो सैक के अंदर अपना एक इम्ब्रियो तो बना ही होगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से इसके अलावा बिना फर्टिलाइजेशन के भी ये न्यूसेलर सेल्स से एम्ब्रियो बन गया तो यानी एक ही इम्ब्रियो सेक के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे ठीक है तो इसी के एक ही इम्ब्रियो सेक के अंदर इतने सारे इम्ब्रियो तो इसी को क्या कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी ठीक है तो अभी देखिए पॉली एम्ब्रियोनी तो हमें बाद में पढ़ना पहले आप यहां देखिए दो तरह के हमें एपोमिक्सिस को पढ़ना है सबसे पहले इस तरह का को कोई टर्म एनसीआर में दिया हुआ नहीं है लेकिन वहां पर लाइन लिखी हुई है ठीक है और वो लाइन अलग अलग लाइन है मतलब अलग अलग टर्म के लिए वो लाइन है एक है रिकरेंट एगो एगेमोस्पर्मी और दूसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ठीक है देखिए सबसे पहले आप देखिए रिकरेंट एगेमोस्पर्मी वेन एक्स सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन एंड डेवलप इन टू इम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन देखिये जब ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है कि जब एग्सल का फॉर्मेशन हो जाए बिना रिडक्शन डिवीजन के आप दे, आपने देखा माइटोसिस के थ्रू एक्ससेल का फॉर्मेशन हुआ और फिर ये एक्स सेल फर्दर डेवलप कर जाए इम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के एग्सल का तो यहाँ पे फ्यूजन हुआ ही नहीं मिल गया मीट के साथ और डायरेक्ट ये इम्ब्रियो बन गया ठीक है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग रिकरेंट ए गैमो एस्कॉमी यानी विदाउट गेमीट ठीक है विदाउट गेमीट इन्वॉल्वमेंट और ये किस में होता है इसका एग्जाम्पल क्या है एप्पल एंड पियर तो आपने एनसीआरटी में ये वाली लाइन जरूर देखी होगी या नहीं देखिए तो आप देखेंगे कि इस तरह की लाइन लिखी हुई होगी ठीक है लेकिन उसके लिए कोई टर्म नहीं लिखा है तो वो टर्म क्या होता है रिकरेंट एगेमोस्पर्मी उसको कहते हैं ठीक है थीके? कि जब एक्सेल का फॉर्मेशन हो जाए बिना रिडक्शन डिवीजन के और वो एक्सेल इम्ब्रियो बना दे ठीक है तो ये यह, यहां पर इम्ब्रियो किस चीज से बना है एक्सेल से इम्ब्रियो किस चीज से बना है एक्सेल से नेक्स्ट आप देखिए क्या लिखा हुआ एडवेंटिव इम्ब्रियोनी वेन समूसेलर सेल्स स्टार्ट्स टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू टू इम्ब्रियो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि इम्ब्रियो सैक के बाहर यहाँ पर बहुत सारे न्यूसेलर सेल्स भी होते हैं ये न्यूसेलर सेल्स अंदर आ जाते हैं और यहाँ से ये फर्दर इम्ब्रियो बना देते हैं डायरेक्ट इम्ब्रियो बना देते हैं ठीक है न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं स्टार्ट टू डिवाइड एंड डेवलप इन टू और ये इम्ब्रियो कैसे होंगे न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं तो एम्ब्रियो जो होगा वो भी डिप्लॉइड होगा ठीक है और ऐसा किस में होता है सिट्रस एंड मैंगो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सम वेराइटीज कुछ कुछ वेराइटीज में ही ऐसा होता है ठीक है सारे के सारे मैंगो इसी तरह से नहीं डेवलप करते हैं ठीक है अब देखिए यहां पे ये समझ गया तो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं एडवेंटिव इम्प्रोनी तो ये दो तरह के आप लोगों को एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ना है एक डायरेक्ट एग से बना और एक डायरेक्ट न्यूसेलस से बना यानी एग के अलावा किसी और चीज से यहां पर सिर्फ न्यूसेलर सेल्स लिया गया है ना यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाना यहाँ पे किसी भी स्पोरोफिटिक टिश्यू से बनता है एक्चुअली स्पोरोफिटिक टिश्यू यानी किसी भी डिप्लॉइड सेल से अब वो डिप्लॉइड सेल्स कोई भी हो सकता है ठीक है किसी भी डिप्लॉइड सेल से जब इम्ब्रियो बनता है तो उसको हम लोग एडवेंटिव इम्ब्रियो नहीं कहते हैं जैसे हमने यहाँ पे न्योसेलर सेल्स लिया है ठीक है डिप्लॉइड अब एक लाइन लिखा हुआ है क्या इच ओव्यूल कंटेन्स मेनी इम्रियोज इन दिस स्पीशीज स्पीशीज अब इस में क्या होगा जितना भी ओव्यूल होगा मतलब एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे इम्रियो हो जाएंगे क्यों क्योंकि पहले से तो एक होगा ही ये जो सैक है इसके अंदर पहले से तो इम्ब्रियो बना ही होगा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से अब जो इसके बाहर में न्यूसेलर सेल्स हैं वो भी जब इसके अंदर गए तो इन्होंने डायरेक्ट इम्ब्रियो बना दिया इम्ब्रियो इम्रियो ठीक है डायरेक्ट इम्ब्रियो तो एक ही ओव्यूल के अंदर क्या हो गया बहुत सारे इम्ब्रियो डेवलप कर गए यानी एक ही सीड के अंदर सीड के अंदर क्या हो गया मेनी इम्ब्रियो ठीक है जो जो ओव्यूल होगा वो सीड में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा और सीड के अंदर बहुत सारे इम्ब्रियोज देखने को हमें मिलेंगे तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी ठीक है आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हैं सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि किस तरह से सीड बन रहा है कब कहाँ पर किस तरह से फिर एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है और कैसे फिर न्यूसेलर सेल्स से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है ठीक है तो ये सब कुछ आप अच्छे से एक बार समझेंगे आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं पॉली इम्ब्रियोनी के बारे में नाम से ही लग रहा है पॉली इम्ब्रियोनी यानी मेनी इम्ब्रियोज ठीक है देख लीजिए अरेंस ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इन अर ठीक है बार बार जो मैं आप लोगों को कह रही थी पॉली इंब्रोनी पॉली इम्ब्रोनी तो किस वाले प्रोसेस में होगा पॉली इंब्रोनी एडवेंटिव इम्ब्रोनी में ठीक है क्योंकि इसमें पहले से एक इम्ब्रियो होता ही है और न्यू सेलर सेल्स भी अंदर घुसकर डायरेक्ट इम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जा रहा है तो इस वजह से एक ही स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे इम्ब्रियो दिख रहे हैं ठीक है ठीके? और वह स्ट्रक्चर क्या है सीड एक मतलब ओव्यूल जो कि बाद में सीड ही बन जाएगा एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिल जाएंगे ठीक है एग्जाम्पल क्या है इसमें जैसे कि जिम्नोस्पोम में और ऑरेंज में इस तरह का होता है ठीक है अब जो देखिए यहाँ पे एपोमिक्टिक इम्ब्रियोज जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और वो क्लोन्स होते हैं अब जाहिर सी बात है डिप्लॉयड ही होंगे क्योंकि न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं न्यूसेल्स जो होता है वो डिप्लॉयड होता है यहाँ से डायरेक्ट अगर इम्ब्रियो बनेगा तो वो भी डिप्लॉयड होगा इसलिए इसकी प्लॉइडी क्या होती है एपोमिक्टिक की डिवेलप्ड और ये प्रोसेस एपोमिक्सिस वाला प्रोसेस हो गया क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं इसलिए कहा गया है इस तरह के इम्ब्रियो को एपोमिक्टिक इम्ब्रियो ठीक है ये डिप्लॉइड होंगे और ये क्लोन्स होंगे यानी कि आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के क्यों क्योंकि ये इसेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है आइडेंटिकल टू पेरेंट्स ठीक है ऑल क्लियर नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक विच इज हाइब्रिड सीड्स अब हाइब्रिड का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि जब हम लोग अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को लेकर एक अलग तरह की वैरायटी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो जो वैरायटी बनती है उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं ठीक है तो हाइब्रिड सीड के बारे में क्या है सबसे पहले इसके फायदे क्या है कि ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है ठीक है हाइब्रिड सीड जो होता है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देती है जितना ज्यादा हमारे पास हाइब्रिड सीड रहेगा हम उतना ही जल्दी जल्दी किसी भी चीज को ग्रो कर सकते हैं ठीक है थीके? लेकिन होता क्या है इसके अंदर एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले तो यह कॉस्ट इफेक्टिव होता है ठीक है बहुत ज्यादा प्रोसेस जो होता है ये कॉस्टली होता है क्यों कॉस्टली होता है ये हर तरह से कॉस्टली होता है तो इसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा इफर्ट लगते हैं बहुत ज्यादा कैसे क्योंकि हमें सबसे पहले तो देखने पड़ेंगे कि सुप की अलग अलग कैरेक्टर पहले हमें जानने पड़ेंगे कि हमें किस तरह का प्लांट चाहिए ठीक है उसमें किस तरह के कैरेक्टर्स तो चाहिए तो वैसे कैरेक्टर्स हमें पहले ढूंढने पड़ेंगे फिर उसमें हमें यानी सेलेक्ट करने पड़ेंगे कैरेक्टर्स को ठीक है उसके बाद हमें सुपीरियर वेराइटीज़ उसमें देखनी पड़ेंगी फिर तो हमें उसे फर्टिलाइज़ कराना है फिर उसे ग्रो करवाना है उसे टेस्ट करना है कि जो हमने वैराइटीज़ जैसी जैसी सेलेक्ट की थी वही चीज़ें हैं या नहीं ठीक है तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ठीक तो त्वी। है तो ये हर तरह से कॉस्टली है इसके अलावा क्या है कि हम जब इसके सीड को बना लेते हैं तो उस सीड को हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं ठीक है क्या लिखा हुआ इट्स सीड्स हैव टू तो बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर हाइब्रिड सीड्स को हमें हर साल ग्रो करवाने पड़ते हैं प्रोड्यूस कराने पड़ते हैं क्योंकि क्या होता है कि इनके जितने भी हम वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो सेग्रीगेट हो जाते हैं यानी कि अलग हो जाते हैं क्यों क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक नई चीज एंटर कर जाती है ना और वो नई चीज क्या हो गई मेलगेमीठ नई चीज के एंटर करने की वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमने सेलेक्ट करके रखे थे वो अलग हो जाते हैं ठीक है सेग्रीगेट कर जाते हैं तो यही हाइब्रिड सीड की एक प्रॉब्लम है कि इसके सीड्स को हमें हर साल प्रोड्यूस करना पड़ेगा ठीक है नहीं तो क्या होगा इस और अगर हमने ऐसा नहीं किया अगर हमने हाइब्रिड सीड को ही बार बार यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा मतलब एक ही सीड को हमने हर साल यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा हाइब्रिड कैरेक्टर को ये मेंटेन करके नहीं रखेगा इट विल नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर ठीक है और हाइब्रिड कैरेक्टर क्या हो गया कि मतलब जैसे जैसे कैरेक्टर हमने सोचे थे वो कैरेक्टर नहीं आएंगे ठीक है अब यहाँ पे इसके सल्यूशन क्या है इसका कि अगर हम हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा वहां पे कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा और फार्मर्स को बार बार इस हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा ठीक है एपोमिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन तो होती ही नहीं है एपोमिक्सिस जो होता है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है ठीक है तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो कोई नई चीज एंटर नहीं कर रही है तो जो कैरेक्टर जिस जैसे जैसे हमने इंट्रोड्यूस किए थे वो कैरेक्टर एज इट इज मेंटेन रहेंगे और फिर वहां पर हम उस सीड को बार बार यूज भी कर सकते हैं तो एक बड़ा फायदा भी है ठीक है तो इस वजह से यहाँ पर रिसर्च जो है अब तक लैब लैब्स में हो रहे हैं कि हम किसी भी तरह से हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्स में कन्वर्ट करते हैं ठीक है ताकि हम फिर इसकी प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ा सकें तो ये सब कुछ हो गया आपका एपोमिक्सिस पॉलिम्बियोनी हाइब्रिड सीर वगैरह आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया ओके थैंक यू बाय बाय